चंद्रिका ने घर में प्रवेश करते ही शीघ्रता से घर के दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद उसने चैन की सांस ली। मंदिर से लेकर गणेश के घर तक वह इसी दुविधा में आई थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, परंतु कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उसे दिखाई नहीं दिया था। चंद्रिका को भय था कि कहीं अनंतगढ़ के सिपाही गणेश के पीछे ना पड़ गए हों, परंतु उसी समय उसे गणेश की आवाज़ सुनाई दी। छोटी रानी, बहुत समय लगा दिया आपने पहुंचने में। हमें तो डर लगने लगा था कि कहीं कुछ अनिष्ट ना घट गया हो आपके साथ। संतोष और गणेश उसके सामने खड़े थे। चंद्रिका को प्रसन्नता थी कि गणेश उससे पहले ही घर पहुंच चुका था। वो मनी मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका भय मात्र एक भ्रम है, कोई उसका मतलब सत्य में पीछा नहीं कर रहा हो। छोटी रानी, आप ठीक है ना? चंद्रिका को शांत खड़ा देखकर संतोष ने प्रश्न किया। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर घर में इधर उधर देखने लगी। वरुणिका, लेखा और परम अभी लौटे नहीं थे। अभी तक चिंतित स्वर में उसने प्रश्न किया। समय बीतने के साथ साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी और वरुणिका को अकेले जाने देने के अपने निर्णय पर उसे पछतावा हो रहा था। वरुणिका ने तो फिर भी अनेक युद्ध कलाओं का परीक्षण लिया हुआ था, लेकिन विषम परिस्थितियों से निपटने में वह सक्षम थी। लेकिन उसके मित्र, वो दोनों तो सामान्य बच्चे थे। यहाँ तक कि चंद्रिका को गणेश और संतोष के बच्चों की चिंता थी, और वहीं दूसरी ओर उसे इस बात का आश्वासन भी था कि उस भयावह वन में वरु अकेली नहीं है, बल्कि उसके मित्र उसके साथ हैं। चंद्रिका इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि किसी ने द्वार पर दस्तक दी। द्वार पर हुई आहट सुनकर चंद्रिका को याद आया कि वो अभी द्वार के साथ सटकर खड़ी हुई थी। संतोष, गणेश और चंद्रिका भयभीत दृष्टि से दरवाजे की तरफ देखने लगे। इतनी सुबह सुबह द्वार पर कौन आया होगा, यह सोचकर उनके मन में भय उत्पन्न होने लगा। कहीं ना कहीं गणेश और चंद्रिका के मन में तो यही बात चल रही थी कि कहीं अनंतगढ़ के सिपाही उनका पीछा करते हुए तो उनके घर तक नहीं पहुंच गए। माँ, माँ, बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। बाहर से लेखा की आवाज़ सुनकर तीनों का डर खत्म हो गया। चंद्रिका द्वार से अलग हट गई। गणेश ने आगे बढ़कर द्वार खोला तो बाहर लेखा, परम और एक लड़की के साथ खड़े थे, जिससे वो परिचित तो नहीं थे परंतु पहचानते अवश्य थे। अपने पुत्र और पुत्री के साथ तम वन की जादूगरनी को देखकर गणेश आश्चर्य में लेखा और परम को देखने लगा। उसकी आंखों में प्रश्न था जिसे लेखा और परम ने पढ़ लिया। वो वरु कहाँ है? चंद्रिका ने बहुत ही व्याकुलता से प्रश्न पूछा। लेखा की बात को पूरा ना होने दिया और चंद्रिका ने जब देखा कि लेखा और परम के साथ एक अनजान लड़की भी उनके साथ आई है, लेकिन उसकी वरुणिका उनके साथ दिखाई नहीं दे रही, तो उसे किसी अनहोने की शंका से घबराहट होने लगी। छोटी रानी, आप चिंता मत कीजिए, लेखा कहने लगी, वह सकुशल है और जल्दी ही चंद्रिका आपके चंद्रिका ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा कि ठीक है। लेखा ने कहा कि जल्दी ही राजकुमारी आपके पास आ जाएगी। गांव में प्रवेश करते समय वो किसी कार्य से कहीं चली गई हैं। हमने उससे पूछा भी कि वो कहाँ जा रही हैं, परंतु उन्होंने हमें नहीं बताया। लेखा ने सारी बात राजकुमारी चंद्रिका और अपनी माँ संतोष से बता दिया। संतोष ने अचिंत्या के बारे में पूछा तो संतोष और गणेश दोनों ही उसे पहचानते थे। कितनी बार उन्होंने इस जादूगरनी को बाजार में देखा था और साथ में कई बार उसे सब्जियां भी बेची थी, परंतु इससे अधिक उनका कृष्ण ग्राम के अन्य वासियों का किसी भी जादूगरनी से कोई मतलब बातचीत की क्रिया नहीं होती थी। माँ, ये अचिंत्या है, ये तम वन की रानी की पुत्री है और स्वर्ण कमल लाने में हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ आई है। स्वर्ण कमल? लेखा के मुख से स्वर्ण कमल का नाम सुनकर, उसे महल में लाने की बात सुनकर चंद्रिका ने आश्चर्य से पूछा। ऐसी मुसीबत के समय में जब उन्हें उनके परिवार को अनंतगढ़ की कैद से छुड़ाने के विषय में विचार करना चाहिए, तो वे स्वर्ण कमल को महल में लाने के लिए सहायता क्यों लेकर आए थे? चंद्रिका के मन में अनेक प्रश्न थे और वो जानती थी कि उन सब के उत्तर वरुणिका ही दे सकती थी।
अभी वह आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जब वरुणिका आएगी तो वह आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे देगी। लेखा ने रानी के मन में चल रही बातों को दोहराते हुए कहा। जादूगरनी के घर से आने से संतोष और गणेश दोनों ही असहज थे, परंतु वे कर भी क्या सकते थे। परम ने अचिंत्या के लिए घर के एक कोने में खाट बिछा दी थी। इस पर बैठ जाओ और अति महत्वपूर्ण कार्य हो तभी यहाँ से हिलना, अन्यथा यहीं बैठी रहना। परम, लेखा ने अपने भाई को अचिंत्या से इस तरह के व्यवहार करने के लिए फटकार लगाई। अचिंत्या, ये लो जल, कुछ और चाहिए तो निसंकोच मांग लेना। अचिंत्या को जल पकड़ा कर लेखा वहाँ से चली गई। वन में गांव में प्रवेश करने पर जितनी खुशी अचिंत्या को हो रही थी वो एहसास एक बार फिर उसने खो दिया। फिर से उसे सब जंगल के वातावरण की तरह लगने लगा था। हालांकि वहाँ वह अपनी इच्छा से कहीं भी घूम सकती थी, परंतु यहाँ तो उसे चारपाई से हिलने के लिए भी मना कर दिया था। अगर मित्र ऐसे होते हैं तो नहीं चाहिए मित्र, अचिंत्या ने बुदबुदाते हुए अपने आप से कहा। उस समय बाद एक बार पुनः द्वार पर दस्तक हुई और इस बार राजकुमारी वरुणिका खड़ी थी। वरुणिका पुत्री, आप ठीक तो हैं? चंद्रिका ने भागकर उसे अपने गले लगा लिया और उससे पूछने लगी। वरुणिका ने कहा, काकी माँ हम ठीक हैं, तभी तो आपकी दृष्टि घर के एक कोने में पड़ी हुई चारपाई पर गई जिस पर अचिंत्या बैठी हुई थी, जो बिल्कुल असहाय दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी। अचिंत्या, वरुणिका ने कहा, अचिंत्या तुम चिंता मत करो। वरुणिका ने उसे वहाँ बैठकर सख्त चेतावनी दी थी कि वो वहाँ से हिली तो अच्छा नहीं होगा। परम ने गर्व के साथ वरुणिका से कहा कि मैंने उसको बोल दिया था कि वहाँ से हिलना भी नहीं। वरुणिका ने उसकी ओर क्रोध से देखा और फिर लेखा की ओर निराशा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, लेखा हमने तुमसे यह आशा नहीं थी, हमने तुम्हें अचिंत्या पर दृष्टि रखने के लिए कहा था, ना कि उसे पशु की भांति एक कोने में बांध देने के लिए। कहते हुए वरुणिका अचिंत्या की ओर बढ़ी और जाकर उसके पास चारपाई पर बैठ गई। हमारे मित्रों द्वारा आपके साथ किए गए इस व्यवहार के लिए हम क्षमा मांगते हैं। अचिंत्या राजकुमारी वरुणिका की ओर देखने लगी, उसे याद करने का प्रयास करने लगी कि वे सच्चे हृदय से क्षमा मांग रही थी या उसकी सहायता न मिलने के भय से वरुणिका उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आपका तो इसमें कोई दोष नहीं है, अचिंत्या ने कहा। वरुणिका ने कहा, तुम इसमें परम से शिकायत करते हुए कुछ कहना चाहा, परंतु वरु उससे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। अपने स्थान से उठकर परम के पास आते हुए वरुणिका ने कहा, बहुत हो गया परम, अचिंत्या से माफ़ी मांगो। परम कहने लगा, हम क्यों अचिंत्या से माफ़ी मांगें? क्योंकि इसके प्रति तुम्हारा व्यवहार अनुचित है, राजकुमारी कहने लगी। जब किसी के साथ अकारण अनुचित व्यवहार करते हैं तो हमें उनसे क्षमा मांगनी पड़ती है, राजकुमारी ने दृढ़ शब्दों में कहा, जो परम को एक राजकुमारी के आदेश की भांति प्रतीत हुए। हम तुम्हारे कहने पर क्यों क्षमा मांगें? परम ने कहा, यह मत भूलो कि अब तुम स्वयं परम की राजकुमारी नहीं हो और तुम्हें हम पर अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो हमारा उपकार मानना चाहिए कि हमने अपने जीवन की चिंता ना करते हुए तुम्हें अपने घर में छिपाया है। परम के कहे शब्दों के कारण वातावरण में शांति सी पसर गई। संतोष और गणेश ने अपने पुत्र पर उसको डांटते हुए कहा, उस पर क्रोध भी आ रहा था कि लेखा ने भी अपने भाई को बात को सुनकर चुपचाप खड़ी रह गई। यहाँ तक कि स्वयं परम भी अपनी कही बात पर चौंक गया कि उसके मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई। अब उसे बहुत पश्चाताप हो रहा था। चंद्रिका और वरुणिका सामान्य रूप से खड़ी थी, उन्हें परम की बात का बुरा नहीं लगा था क्योंकि जो उसने कहा था वो सत्य था। उनके परिवार ने अपने जीवन को संकट में डालकर उन्हें आश्रय दिया था, इसलिए उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता उन पर अकड़ दिखाने का। वरुणिका एक बार उन्हें वरुणिका ने परम की बात को बीच में ही रोक दिया। वरुणिका परम कहता हुआ रह गया, अब हम और अचिंत्या स्वयं कमल को महल में लाने के लिए योजना बना रहे हैं। कहते हुए राजकुमारी वरुणिका अचिंत्या के साथ फिर से उसी चारपाई पर बैठ गई और उसको परम ने जो बीच में बोलना चाह रहा था उसको वरुणिका ने रोक दिया। चंद्रिका कहने लगी, परम ने जो कुछ भी कहा है उसके मन में भले ही वैसा नहीं होगा परंतु वह सत्य ही तो कह रहा था।
हमने यहाँ आकर उनके जीवन को संकट में तो डाल दिया है। जानते हैं, काकीमा वरुणिका कहने लगी, अब हम इस बात के लिए गलानी का भी अनुभव कर रहे हैं, परंतु उस समय हमें पता नहीं क्या हो गया, कुछ सूझा ही नहीं, इसलिए हमें शीघ्र अति शीघ्र अपने राज्य को पुनः प्राप्त करना होगा, पिताश्री काकाश्री और धैर्य को भी मुक्त कराना होगा। चंद्रिका कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो वरुणिका, परंतु इसके लिए हमें महल में प्रवेश करने की योजना बनानी होगी। चंद्रिका और राजकुमारी वरुणिका आपस में अपने अगले कदम को लेकर बातें कर रही थी। अचिंता चुपचाप बैठी हुई उनकी बातें सुन रही थी। उसने कुछ ही दूर लेखा और परम अपने माता पिता के साथ खड़े थे। तीनों ही परम पर उसके कई शब्दों को लेकर नाराज थे। पुत्र, तुमने जो कहा वह अनुचित था, और तुम्हारी बात से मात्र राजकुमारी या छोटी रानी ही नहीं, हमको भी दुख हुआ है, गणेश ने अपने पुत्र से कहने लगा। तुम्हारे पिताजी उचित कह रहे हैं पुत्र, उसकी माँ कहने लगी, हमने इस प्रकार की शिक्षा तो तुम्हें कभी नहीं दी थी। अगर तुम्हें उस कन्या से क्षमा नहीं मांगनी थी तो मत मांगते, परंतु तुमने अपने अहंकार के चलते राजकुमारी का ही नहीं बल्कि अपनी मित्र का भी अपमान किया है। हम जानते हैं माँ, परम जो है निराशी उदासी भरे स्वर में कहने लगा, पिताजी हमसे भूल हो गई, हमारा उद्देश्य तो उसको बीच में ही रोक दिया। भूल नहीं परम, तुमने अपराध किया है, लेखा ने उसको बीच में रोक दिया। हमने वरु को राजकुमारी के रूप में नहीं अपितु अपनी मित्र के रूप में इस घर में शरण दी थी। अचिंता से क्षमा मांगने के लिए तुम्हें एक राजकुमारी ने आदेश नहीं दिया था, परंतु एक मित्र ने आग्रह किया था, और तुमने क्या किया, देखो हमारी मित्र हमारे घर में कितना असहज अनुभव कर रही है, लेखा ने परम को फटकार लगाते हुए वरु की ओर संकेत करते हुए कहा। परम के भाव मुद्रा से स्पष्ट हो रहा था कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अब जो हो गया सो हो गया, गणेश ने अपने परिवार से कहा, परंतु आगे से हमें राजकुमारी और छोटी रानी के हर कदम पर सहयोग देना होगा, उन्हें उनका राज्य फिर से प्राप्त करने में मदद करनी होगी, क्योंकि राजा ग्रीजेश ने यहाँ तक भी अनंतगढ़ की भांति नियम और कानून लागू कर दिए, तो हम उनके गुलामों की तरह जीवन यापन करेंगे, समझ रहे हो ना आप सब, लेखा और परम ने कहा। जी पिताजी, हम वरुणिका के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, परम ने फिर से उसे अपनी बात पर जो गलानी हो रही थी। लेखा के प्रश्न के उत्तर में परम ने बहुत ही जल्दी से सहमति में सिर हिला दिया और उसके पश्चात वरुणिका की ओर चल दिए। वरुणिका, हमें तुमसे कुछ कहना है, परम के शब्द सुनकर उसकी काकीमा और चिंता के साथ जो अपनी बातों में व्यस्त वरुणिका उठ खड़ी हुई। पर हमें भी तुमसे कुछ कहना है, हम तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं परम। परम कहने लगा, चिंता के प्रति तुम्हारा व्यवहार अनुचित था और तुम्हारे इस व्यवहार के लिए तुम पर क्रोध करने को हमें कोई भी जो अधिकार नहीं था कि हम तुम पर अधिकार डालें, क्योंकि संकट की घड़ी में तुमने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, वरुणिका परम से कहने लगी। जब तक वरुणिका अपनी बात पूरी करती तब तक लेखा और उसके माता पिता भी उनके पास आ गए थे। वरुणिका, आपको और छोटी रानी को यहाँ शरण देने का निर्णय हमारा था, परम के पिता ने कहा और उसकी माँ ने भी, दोनों ने मिलकर संकेत करते हुए कहा। उस समय हम इस बात से परिचित थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं, हमें तब अपने निर्णय पर संशय था और ना ही अब अपने निर्णय पर कोई संशय है। यह घर परम का नहीं हमारा है और यह निर्णय भी हम ही करेंगे कि यहाँ कौन रह सकता है और कौन नहीं, लेखा के कहने लगी, पिताजी उचित कह रहे हैं, परम जो तुम्हारे अनुज की भांति है और बहुत बार वो लेखा से भी इस बार की बातें बोल देता है, क्योंकि उसे अभी इन बातों का ज्ञान नहीं है, यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें तो अपने ससुराल जाना है, इसलिए पुत्री इसकी बातों का बुरा मत मानो, जो लेखा की माँ वरुणिका से कहने लगी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। वरुणिका ने आगे बढ़कर लेखा की माँ संतोष के दोनों हाथों को पकड़ लिया। पुत्री भी कहती हो माता और पुत्री के समक्ष ऐसे हाथ भी जोड़ती हो, क्या लेखा के सामने भी आप ऐसे ही हाथ जोड़ती हो, तो मत दो ना हमको अवसर हाथ जोड़ने का और यहाँ से जाने का विचार त्याग दो, संतोष ने राजकुमारी से कहने लगी। तो राजकुमारी ने कहा, हाँ वरु ठीक है माँ जी, हम आपकी बात मान लेते हैं,
लेखा भी कहने लगी, हाँ वरु, तुम जैसे कहोगे हम उससे क्षमा मांग लेंगे, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। परम भी कहने लगा, लेखा वरुणिका जिससे तुम कहोगे मैं उससे भी क्षमा मांग लूँगा, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। अब अचिंता से क्षमा मांगे तुम कहती हो तो मैं अभी उससे क्षमा मांग लेता हूँ। वरुणिका के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही परम जो अचिंता से क्षमा मांगने लगा, अचिंता हमने तुम्हारे साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कर दो और वरु को यहाँ से जाने से रोक लो। अचिंता जो अब तक एक और अकेली खड़ी थी अचानक से सबकी दृष्टि उस पर अटक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। सहायतार्थ उसकी दृष्टि वरुणिका पर जाकर ठहर गई, जिसने गर्दन के संकेत से परम को क्षमा करने के लिए कहा, ठीक है हमने आपको क्षमा कर दिया, परंतु यहाँ जाने या ना जाने का निर्णय राजकुमारी का है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, अचिंता ने परम को कहा। तो परम अचिंता की बात सुनकर निराश होकर चंद्रिका की ओर देखने लगा। छोटी रानी, आप ही कहिए न वरु से कि वो हमें क्षमा कर दे और यहाँ से नहीं जाए, हम जानते हैं वो आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगी। परम, वरुणिका ने परम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा रहे मित्र, हम यहीं रहेंगे। वरुणिका की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मुख पर मुस्कान फैल गई। यानी परम कहने लगा, तुमने हमें क्षमा कर दिया, अब आपसे तो हम क्रोधित तो हम कभी थे ही नहीं। राजकुमारी कहने लगी, हमने तो बस तुमसे एक प्रश्न किया था। वरुणिका ने वहाँ से जाने का अपना निर्णय रद्द कर दिया, जिससे सभी लोग प्रसन्न थे, परंतु अभी उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। हमने महल में प्रवेश करने की एक योजना सोची है, चंद्रिका ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, और सभी ध्यानपूर्वक चंद्रिका की योजना सुनने लगे। चंद्रिका और गणेश एक बार फिर से मानक गांव के पीछे बने आश्रम में पहुंच गए थे। यह उनकी योजना का पहला चरण था। वे यहाँ इस आशा में आए थे कि किसी भी प्रकार से उन्हें युवराज कुसाग्र से बातचीत करने का माध्यम मिल सके। अंतिम बार उन्होंने राजकुमार कुसाग्र से यहीं भेंट की थी, उन्होंने सहायता करने का वचन भी दिया था। चंद्रिका को अब युवराज कुसाग्र पर पूर्ण विश्वास नहीं था, और इसलिए वह राजकुमारी वरुणिका को योजना के इस पहले चरण में अपने साथ लेकर नहीं आई थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाई, परंतु उन्हें वहाँ ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया। छोटी रानी, हमें तो लगता है कि यहाँ कोई नहीं है और हमारी भेंट युवराज से नहीं हो पाएगी। गणेश की बात सुनकर एक बार चंद्रिका ध्यानपूर्वक इधर उधर देखने लगी, इस आशा से कि कोई सैनिक या सेवक नजर आ जाए, परंतु दूर दूर तक कोई मनुष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। आप सही कह रहे हैं, युवराज से भेंट करने के लिए कोई और मार्ग सोचना पड़ेगा, चंद्रिका ने गणेश से कहा, और चंद्रिका ने जो कि कोई ऊंचे से पेड़ पर कूदकर उनके सामने खड़ा हो गया। सहसा किसी को अपने सामने देखकर गणेश और चंद्रिका चौंक गए। फिर चंद्रिका ने उस व्यक्ति को देखा तो पहचान गई कि वह उस दिन युवराज कुसागर के साथ ही उन सिपाहियों में से एक सिपाही था। प्रणाम, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, उस सिपाही ने प्रणाम करते हुए प्रश्न पूछा। उसने भी चंद्रिका को पहचान लिया था। वो हम कुसाग्र से भेंट करने के इच्छुक हैं, हमें उससे अति महत्वपूर्ण बात करनी है, क्या आप हमारी उनसे भेंट करवा सकते हैं। युवराज ने कहने लगा, रानी जी, युवराज ने हमें आपकी हर संभव सहायता का निर्देश दिया है और हम आपकी यह इच्छा उन तक पहुँचा देंगे। आप शाम या कल को यहाँ आइएगा, अवश्य आपका काम हो जाएगा। रानी ने उसको कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन अपहरण काल में चंद्रिका और गणेश पुनः घर पहुंच गए थे। संभवतः हमारी भेंट कुसाग्र से सांझ को जल्दी ही हो जाएगी, हमें वहां जाना पड़ेगा। काकी माँ, इस समय हम भी आपके साथ चलेंगे, वरुणिका कहने लगी। वरु पुत्री, आप समझ नहीं रही हैं, जब तक हमें युवराज पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो जाता, तब तक हम उनके सामने आपको नहीं आने देंगे, इसलिए हमें उनसे भेंट करने के लिए अकेले ही जाना होगा। काकी माँ, जैसे आपकी जो हमारी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वैसे हम भी आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। अगर सत्य में युवराज ने कोई षड्यंत्र रच रखा हो तो वरुणिका, इस बारे में हम अधिक विमर्श नहीं करना चाहते और वहाँ जाएंगे
और आप यहीं रहेंगी, यह हमारा अंतिम निर्णय है। वरुणिका अपनी काकी माँ के इस निर्णय का विरोध करना चाहती थी, परंतु चंद्रिका की एक दृष्टि ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि किसी भी तरह का विरोध का आग्रह उनके निर्णय नहीं बदल सकता। सुबह भी जब चंद्रिका ने मानक गांव जाने की बात कही थी तो वरुणिका ने साथ चलने का आग्रह किया था, परंतु चंद्रिका ने वरु को साथ ले जाने से स्पष्ट मना कर दिया था। वैसे ही योजना के प्रारंभिक चरण को पूरा करने के लिए वरुणिका की आवश्यकता नहीं थी, यह कार्य चंद्रिका को ही पूर्ण करना था। वरुणिका और चंद्रिका के इस बातचीत को अन्य सभी शांति से सुन रहे थे। वे जानते थे कि इस समय किसी का भी पक्ष लेना उचित कदम नहीं होगा, इसलिए शांत रहने में ही सबका हित है। हमने जो कुछ किया उसकी गलानी हमें आज भी अनुभव हो रही है, मनोहर बाबा ने राजकुमारी वरुणिका से कहा। आपने जो किया वो अपनी माँ के लिए किया बाबा, चंद्रिका ने पुनः मानक गांव जाने के बाद वरुणिका मनोहर बाबा से भेंट करने मंदिर आ गई थी। अपनी काकी माँ की कुशलता को लेकर उनका मन विचलित हो रहा था, इसलिए वो बाबा से वार्तालाप करने के औचित्य से यहाँ आई थी। आपने उचित कहा, हमने जो किया वो अपनी माँ के लिए किया, परंतु हमने मार्ग अनुचित चुना था। अपनी माँ का उपचार करवाने के लिए हम एक निर्दोष राजकुमारी को लोगों की दृष्टि में दोषी सिद्ध करने के घृणित कार्य के भागीदार बन गए और उसके पश्चात अनुचित पर अनुचित कार्य करते चले गए। हम अपनी माँ की रक्षा तो नहीं कर पाए, अपितु हमने जीवन को नरक बना लिया। आंसुओं से भरी दृष्टि से बाबा ने राजकुमारी वरुणिका को देखा। राजकुमारी, हमें पूर्ण विश्वास है आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगी, इसलिए हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। भविष्य में कोई भी निर्णय लेने से पहले इस बात का सदैव ध्यान रखना कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई अनुचित मार्ग का प्रयोग कभी भी नहीं करना। अनुचित मार्ग से भले ही लक्ष्य की प्राप्ति सरल दिखाई देती हो, परंतु वह जीवन को बहुत ही कठिन बना देता है। अनुचित मार्ग से अगर लक्ष्य को प्राप्त कर भी लिया जाए तो गलानी और अपने क्रोध उसे ही अर्थहीन बना देते हैं। इसलिए स्वयं कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी प्रतिष्ठा और सिद्धांतों के मार्ग से कभी विचलित मत होना, जैसे हम हो गए थे। राजकुमारी वरुणिका ने बाबा की बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और समझी। वरुणिका अपने सिद्धांतों पर अटल रहने वालों में से थी। उसकी प्रतिष्ठा के साथ तो उसके राजवंश और स्वयंपुरम का राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी, तो वह उस पर कोई आँच कैसे आने दे सकती थी। क्या हो गया राजकुमारी, कहाँ खो गई आप? बहुत देर तक वरुणिका को कुछ ना कहता देखकर बाबा ने प्रश्न किया। कुछ नहीं बाबा, अच्छा हम चलते हैं और शीघ्र ही आपसे फिर से मिलने आएंगे। राजकुमारी, मनुष्य सोचता बहुत कुछ है, परंतु होता वही है जो ईश्वर को स्वीकार होता है। बाबा की बात सुनकर राजकुमारी वरुणिका उन्हें असमंजस में देखने लग गई। वह उनकी बात को नहीं समझ पा रही थी। अधिक विचार मत कीजिए राजकुमारी, जाइए और विजयी होकर लौटिए। काकी माँ, क्या आपकी युवराज कुसागर से भेंट हो गई? घर में प्रवेश करते ही वरुणिका ने अपनी माँ से प्रश्न किया। सूर्य ढल चुका था और संपूर्ण वातावरण में रात्रि ने अपने आप को समेट लिया था। अंधेरा छाने लगा था। आंगन में एक और संतोष और लेखा भोजन पका रही थी। उनके पास अचिंता भी बैठी हुई थी। परम घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। चंद्रिका और गणेश मानक गांव से अभी अभी लौटे थे। हाँ वरुणिका, युवराज से हमारी भेंट हुई और कहीं ना कहीं हमें लगता है वो वास्तव में हमारी सहायता करना चाहते हैं। तो क्या महल में प्रवेश करने में वो हमारी सहायता करने के लिए मान गए हैं? वरुणिका ने आशा भरी दृष्टि से अपनी काकी माँ से पूछा। युवराज कुसागर का कहना है कि महल में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनके पिता के मुख्य सिपाहियों द्वारा जाँच की जाती है, यहाँ तक कि वे किसी को महल में प्रवेश नहीं करवा सकते। मतलब हम महल में प्रवेश नहीं कर सकते काकी माँ? नहीं वरुणिका, उन्होंने महल में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग हमें बताया है, परंतु उसमें संकट है। कैसा मार्ग? सूर्य उदय होने में अभी कुछ समय शेष था। तीन बैलगाड़ियाँ बड़ी तीव्र गति से महल की ओर बढ़ रही थीं। उन बैलगाड़ियों के साथ साथ कुछ लोग पैदल चल रहे थे। उन्हीं लोगों में दो पुरुष और दो महिलाएँ भी थीं, जो कुछ असहज सी दिखाई दे रही थी। आपको क्या लगता है, हमें महल में प्रवेश मिल जाएगा? एक पुरुष ने प्रश्न किया।
कुछ नहीं कहा जा सकता। हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, वो बिना किसी रुकावट महल में प्रवेश करने में हमारी सहायता करे। दूसरे पुरुष ने उत्तर दिया, जिसका स्वर महिलाओं की भांति था। वरु सही कह रही है परम, युवराज ने हमें मार्ग सुझाया है तो हमें आशा रखनी चाहिए, यह योजना सफल होगी। असल में वे चारों ओर कोई नहीं, वरुणिका, अचिंता और लेखा और परम थे। राजकुमारी की पहचान उजागर ना हो इसलिए इसी डर से उन्होंने पुरुष का भेष धारण कर रखा था कि कोई उन्हें पहचाने नहीं। पुरुष भेष धारण करके वे साधु साहूकार दीन बंधु के काफिले के साथ महल में बढ़ रहे थे। साहूकार दीन बंधु राजा गिरिजेश का विश्वास पात्र था। अब वर्षों से ही वह स्वर्णपुरम की सूचनाएं अनंतगढ़ में पहुंचाने का कार्य करता था, जिससे कि वह महाराज का बहुत ही विश्वास पात्र बना हुआ था। वर्तमान में उसका कार्य प्रत्येक सुबह साग सब्जियां महल में पहुंचाने के साथ साथ नए नए सेवकों को महल में नियुक्ति के लिए उपलब्ध करवाना था। युवराज कुशागर ने उन्हें साहूकार दीन बंधु के पास जाकर कार्य मांगने के लिए कहा था, क्योंकि वे जानते थे महल में नए सेवकों की आवश्यकता है, इसलिए दीन बंधु अवश्य ही उन्हें महल में नियुक्त करवाने के लिए साथ ले जा सकता है। चंद्रिका नहीं चाहती थी कि वरुणिका यह कार्य करे, परंतु इस बार वरु ने अपनी काकी की एक बात नहीं सुनी और स्वयं वह कार्य करने का निश्चय किया। वरु के साथ अचिंता का आना आवश्यक था, क्योंकि राजकुमारी पवित्रा ने कहा था कि एक बार वे स्वर्ण कमल के समीप पहुंच गए तो आगे का कार्य चिंता संभाल लेगी। लेखा और परम तमोवन में जाने की तरह ही अपनी प्रबल जिद के कारण वरु के साथ आने में सफल हो गए थे। साहूकार दीन बंधु को मनाने में अधिक समय नहीं लगा। जब राजकुमार ने जो रास्ता सुझाया था तो वे काम मांगने के लिए साहूकार के पास पहुँच गए। साहूकार महल में आने के लिए निकल ही रहा था, उसी में समय चारों कार्य की आशा लेकर उनके पास पहुँचे थे और साहूकार से विनती करने लगे थे। साहूकार दीन बंधु किसी अज्ञात व्यक्ति को महल में ले जाने के विरुद्ध थे, परंतु उनके साथ आए गणेश, जिसे साहूकार दीन बंधु जानते थे, उन्हें अपने गांव का और अपना परिचित होना बताया और दीन बंधु उन्हें सेवक के कार्य के लिए महल में ले जाने के लिए तैयार हो गया। सूर्य की प्रथम किरण के निकलने तक उनका काफिला महल तक पहुंच चुका था। साहूकार दीन बंधु द्वारा प्रहरियों से वार्ता कर रहा था और जितना समय वो ले रहा था उतना ही उनके मन में भय बढ़ते जा रहा था। चलो आगे चलो, साहूकार दीन बंधु ने अपने साथियों को गाड़ियां अंदर लाने का संकेत किया। कुछ ही क्षण बाद वे महल में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने प्रथम पड़ाव पार कर लिया था, परंतु अभी वे लक्ष्य तक नहीं पहुँचे थे। साहूकार दीन बंधु ने उन चारों को कुछ अन्य लोगों के साथ एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। एक सिपाही पंक्ति में खड़े सभी लोगों के नाम एक पत्र में लिख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? वरुणिका अपने विचारों में इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सिपाही उसके पास आया और उसका नाम पूछ रहा था। हम तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, वरुणिका हकलाते हुए कहने लगी। हमारा नाम वरुणिका ने अपनी वाणी को गहरी करते हुए कहा। गांव कौन सा है? कृष्णा ग्राम। उस सिपाही ने कुछ क्षण तक वरुणिका को देखा जैसे उसका कोई रहस्य जानने का प्रयास कर रहा हो। उसकी इस दृष्टि से वरु की हृदय गति बढ़ने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वास्तविकता उसके सामने आ जाएगी। ठीक है, उस तरफ खड़े हो जाओ, सिपाही ने कहा। सिपाही के यह सब सुनकर वरुणिका ने चैन की सांस ली और अन्य लोगों के साथ एक ओर जाकर खड़ी हो गई। उस सिपाही ने सबके नाम दर्ज करने के बाद उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। यहाँ आप सबको कार्य बांटे जाएंगे, और एक अन्य सिपाही सबको उनके कार्य वितरण करने लगा। तुम्हारा कार्य रसोई घर में भोजन पकाने में सहायता करना है, उस सिपाही ने लेखा को उसका कार्य बताते हुए कहा। उसके बाद उसने परम को बताया कि तुम अस्तबल में घोड़ों को चारा डालने में सहायता करोगे। तुम धान कूटने में सहायता करवाना, उस सिपाही ने चिंता को उसका कार्य बताया। वरुणिका समझ गई कि उन्हें अलग अलग कार्यभार सौंपा जा रहा है, ऐसा हुआ तो वो अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे में उनका कार्य अधिक मुश्किल हो जाएगा। अचिंता का वरुणिका के साथ रहना बहुत आवश्यक था, इसलिए उसने सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें एक साथ कार्य मिल जाए। वरुणिका कहने लगे, महोदय, इससे पहले कि सिपाही वरुणिका को उसका कार्य बताता उसने उसे बीच में ही रोक दिया। कृपया हमें
और इनको एक साथ कार्य सौंप दीजिए। सिपाही ने कहा, क्यों? क्योंकि वरुणिका की ओर आंख निकालते हुए सिपाही ने फिर प्रश्न किया, क्यों? वो ये कि हमारी धर्म पत्नी है, वरुणिका कहने लगी, क्योंकि वह एक मर्द के भेष में थी। और उसने सिपाही से कहा कि यह हमारी धर्म पत्नी है और पहली बार कार्य करने के लिए आई है, तो अज्ञात लोगों के साथ असहज नहीं हो पाएगी, इसे बड़ा मुश्किल होगी दूसरे लोगों के साथ करने में, इसलिए मेरे साथ रहेगी तो सहज रहेगी, इसको आसानी रहेगी। वरुणिका की बात सुनकर अचिंता, परम और लेखा तीनों एक दूसरे को देखने लगे। वह सिपाही भी उन्हें गौर से देख रहा था। उसने वरुणिका को सिर से पैर तक देखा और फिर कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कौन से माता पिता थे जिसने तुमसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? वरुणिका उस सिपाही का तात्पर्य अच्छे से समझ रही थी। भले ही उसने पुरुष का भेष धारण कर रखा था, परंतु उसका शरीर तो स्त्री के जैसा ही था, जो कि उन सिपाहियों के मन में उसके पुरुषत्व के लिए प्रश्न उत्पन्न कर रहा था कि यह मर्द कैसे हो सकता है, इतना नाजुक सा है। वे आपस में बातें कर रहे थे, कहाँ से ये मर्द दिखाई देता है, देखने में तो ये स्त्रियों के जैसे नाजुक है। वरुणिका मोह पुरुष नहीं थी, इसलिए उसे उस सिपाही का कटाक्ष इतना नहीं खटका, परंतु उसके मन में प्रश्न उठने लगे थे कि उस सिपाही जैसे व्यक्ति ना जाने कितनों की भावनाओं को अपने कटाक्षों से चोटिल करते होंगे, और यह सोचकर उसे क्रोध आ रहा था। अच्छा, तुम भी अपनी पत्नी की धान कूटने में सहायता करना, वैसे भी वही कार्य तुम्हारे लिए उपयुक्त है। हंसते हुए वह सिपाही वहाँ से चला गया। इसलिए हमने तुम दोनों को साथ आने से मना किया था, वरुण ने परम और लेखा से कहा, जब उन्होंने उनके कार्य स्थानों की ओर ले जाया जा रहा था। किसी तरह हमने अपना कार्य चिंता के साथ करवा लिया, परंतु तुम दोनों अलग स्थानों पर कार्य करोगे। हम सभी का एक साथ स्वर्ण कमल तक पहुंचना अब असंभव है, और अगर हम और अचिंता वहाँ पहुंच जाते हैं तो हम आपको छोड़कर नहीं जा पाएंगे। तुम चिंता मत करो वरुण, तुम दोनों को जैसे ही स्वर्ण कमल मिल जाए तुम तुरंत महल से निकल जाना। ये तुम क्या कह रही हो लेखा? वरुणिका ने कहा। लेखा उचित कह रही है वरु, परम ने भी अपनी बहन की बात का समर्थन करते हुए कहा। तुम हमारी चिंता मत करना, हम पर किसी को संदेह हो उससे पूर्व ही हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएंगे। तुम दोनों को स्वर्ण कमल लेकर स्वर्ण वन में पहुँच जाना। अगर तुम दोनों को लगता है कि हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे, वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं होगा वरु, स्वर्ण कमल का वन में पहुँचना अति आवश्यक है, तुम समझ रही हो ना? वरुणिका लेखा की बात का उत्तर देना चाहती थी, परंतु उससे पहले ही सिपाही ने उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में मोड़ दिया। वरुणिका लेखा और परम को जाते हुए देख रही थी कि उसे सिपाही ने आगे बढ़ने का आदेश दिया। क्या तुम परम और लेखा की बात से सहमत हो? वरुणिका ने अचिंता से प्रश्न किया। वे महल के प्रांगण में एक अन्य सेवकों के साथ धान कूटने के कार्य में लगी हुई थी। वह ओखली में धान कूट रही थी तो अचिंता उसमें धान डालने का कार्य कर रही थी। राजकुमारी, राजकुमारी मत बोलो, किसी ने सुन लिया तो संकट में पड़ जाएंगे, वरुणिका ने बुदबुदाते हुए कहा। वरुणिका, अगर हम अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर उत्तर दें तो हम उनसे सहमत हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरह वो स्वर्ण कमल स्वर्ण वन ले जाना ही है, परंतु अगर मित्र के रूप में उत्तर दें तो हमें उन्हें कभी भी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। वरुणिका कुछ देर गहरी सोच में डूब गई, फिर उसने एक और प्रश्न किया, स्वर्ण कमल प्राप्त हो जाने पर तुम हमारी यहाँ से निकलने में सहायता कैसे करोगी? उत्तर में चिंता ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, हम स्वयं नहीं जानते, स्वर्ण कमल मिल जाएगा तो स्वयं ज्ञात हो जाएगा। अचिंता का उत्तर सुनकर वरुणिका आश्चर्य से उसे देखने लगी। कुटे हुए धान को भंडार गृह में पहुँचा दो, उनकी निरीक्षण करने वाली महिला ने सबको आदेश दिया। अचिंता और वरु जल्दी से धान समेटने लगी, फिर उठकर अन्य सेवकों के साथ भंडार गृह की ओर चल दी। भंडार गृह से लौटते समय वरु और अचिंता सबसे अंत में चल रही थी। वरुणिका महल से भली भांति परिचित थी और अब सब पाकर उसने अचिंता को एक अलग गलियारे में खींच लिया। उसी यह उचित समय अचिंता, हमें उस स्वर्ण कमल के कक्ष तक पहुँचना होगा। ठीक है राजकुमारी वरुणिका, पर वो स्वर्ण कमल है कहाँ? आप चलो हमारे साथ। द्वितीय तल पर पहुंचने पर उन्होंने किसी प्रकार की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। उस कक्ष के जो पहुंच चुकी थी, उस कक्ष के समीप यहाँ स्वर्ण कमल रखा हुआ था।
परंतु उसके बाहर कई सारे पहरेदार खड़े हुए थे। अब हम अंदर कैसे जाएंगे वरुणिका? हमें नहीं लगता कि हम सरलता से अंदर पहुंच जाएंगे। हमें ये लोग अंदर जाने देंगे? वरुणिका ने अपने आसपास दृष्टि घुमाई। वहाँ कुल 6 प्रहरी थे। हमें इनसे लड़ना होगा, कहते हुए वरुणिका ने पास ही लगी ढाल से तलवार निकाल ली। वरुणिका ने सर्वप्रथम अपने सबसे नज़दीकी सिपाही पर आक्रमण कर दिया और उसे चित करने के कुछ क्षण ही लगे होंगे। यह देखकर अन्य सिपाही भी उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़े, परंतु वरुणिका ने सबको मात दे दी। देखते ही देखते सभी जमीन पर पड़े थे। वरुणिका ने बिना समय गवाए स्वयं कमल के कक्ष का द्वार खोल दिया और द्वार खुलते ही उनकी आंखें तीव्र प्रकाश से बंद हो गईं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात अचिंता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो वो उस स्वयं कमल को स्पष्ट देख पा रही थी। उसे विचित्र सा अनुभव हो रहा था। वरुणिका, देखिए हम उड़ रहे हैं। अचिंता की बात सुनकर वरुण ने आंखें खोलने का प्रयास किया, परंतु तीव्र प्रकाश के कारण उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अचिंता, शीघ्रता से स्वयं कमल उठा लो इससे पहले कि कोई सिपाही आ जाए। वरुणिका की बात सुनकर चिंता ने उस स्वयं कमल को उठा लिया। उसी समय द्वार पर जोर जोर से आहट हुई। वरुणिका, हमारा हाथ पकड़ो। वरुणिका को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए अचिंता ने स्वयं ही आगे बढ़कर वरुणिका का हाथ थाम लिया और कुछ क्षण पश्चात वरुणिका को अनुभव हुआ कि जैसे वह हवा में उड़ रही थी। वरुणिका ने आंखें खोलकर देखने का प्रयास किया। अभी वो उसे कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु वो जानती थी कि वे बाहर थी और धरती से ऊपर थी। नीचे से अनेक प्रकार का शोर सुनाई पड़ रहा था। कुछ क्षण पश्चात जब वरुणिका की दृष्टि सामान्य हुई तो उसने देखा कि गिरिजेश के सिपाही उन पर तीरों से आक्रमण करने वाले थे और निश्चिंत ही वो अचिंता के साथ हवा में उड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह तीरों का सामना करने को लेकर चिंतित हो या उड़ने को लेकर उत्सुक हो। कुछ क्षण बाद सिपाहियों ने उन पर तीर छोड़ दिए, परंतु अचिंता उन्हें तेज गति से वहाँ से ले गई, जिससे कि तीर उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा पाए। अचिंता, हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ण वन में। ये तुम क्या कह रही हो अचिंता? हमारे मित्र अभी भी महल में हैं, हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। वरुणिका, उन्होंने स्वयं कहा था कि स्वर्ण कमल मिलते ही हम वन चले जाएं, और जितनी शीघ्रता से हम स्वर्ण कमल वन में पहुंचाएंगे उतनी शीघ्रता से हम आपके परिवार और मित्रों की रक्षा कर पाएंगे। नहीं अचिंता, हमें वापस लौटना होगा, हमें हमारे मित्रों को लेकर आना होगा। अचिंता ने राजकुमारी की बात को अनसुना कर दिया और वरु भी इतनी ऊंचाई पर कुछ नहीं कर सकती थी। वरुणिका के बार बार आग्रह करने पर अचिंता सीधे स्वर्ण वन जाकर रुकी। उन्हें देखकर सबसे पहले सबका ध्यान उस स्वर्ण कमल पर गया जो अचिंता के हाथ में था और जिसकी रोशनी अब मर्दिम हो चुकी थी। उसे देखकर सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन राजकुमारी पवित्रा भाव विहीन सी उस स्वर्ण कमल को देखे जा रही थी। अंततः उसके मुख से यही शब्द निकले और अचिंता ने आगे बढ़कर वे स्वर्ण कमल उन्हें दे दिया, जिसे लेकर वह उस तालाब पर पहुंच गई जिसमें वह स्वर्ण कमल प्रथम बार प्रकट हुआ था। जैसे ही राजकुमारी पवित्रा ने वह स्वर्ण कमल उसमें लगाया, वैसे ही संपूर्ण वन में हरियाली से भर गया। वन का परिवर्तन उसी प्रकार हो गया जैसे पहली बार हुआ था। सभी वनवासियों की आंखों में हर्ष और आंसू छलक पड़े। उन्होंने वन को प्रथम बार इस प्रकार से देखा था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही वन है। सब अपनी खुशी से व्यस्त थे, परंतु वरुणिका को क्रोध आ रहा था। अगर आपका उत्सव संपन्न हो गया हो तो क्या आप सब हमारी सहायता करेंगी या हम जाएं यहाँ से? इतना क्रोध क्यों राजकुमारी? राजकुमारी पवित्रा ने वरुणिका से प्रश्न किया। क्रोधित ना हो तो क्या करें हम? हमारा परिवार, हमारे मित्र उस महल में फंसे हुए हैं और आप यहाँ अपने हर्ष में, खुशी में व्यस्त हैं। अच्छा राजकुमारी, शांत हो जाइए। आपने अपना वचन पूरा किया है, अब अपना वचन हम पूरा करेंगे। परंतु एक दुविधा है, राजकुमारी पवित्रा ने वरुणिका से कहा। कैसी दुविधा? स्वयं वन के समस्त वासी मात्र स्वयं कमल के समीप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। बाहर जाते ये सामान्य लोगों की भांति हो जाएंगे, और एक हम ही हैं जो सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु हम वचन से बंधे हुए हैं, इस कारण हम स्वर्णपुरम में नहीं जा सकते। पवित्रा की बात सुनकर वरुणिका को बड़ा आघात पहुंचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जिनकी सहायता के लिए उसने इतना कुछ किया
अब वह ऐसा बोल रहे हैं। उसने निराशा भरी दृष्टि से सबकी ओर देखा और फिर वहाँ से मुड़कर जाने लगी, क्योंकि अगर वे यहाँ से जाने के पश्चात सामान्य हो जाएंगे तो वो उनका भी जीवन संकट में नहीं डाल सकती। ऐसे में उनके पास लौट जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। वरुणिका रुको, अचिंता ने उसे पुकारा तो वह वरुणिका की मुड़कर पीछे देखने लगी। दाइमा, वचन तो हाँ आपने स्वर्णपुरम में ना जाने का दिया है, क्या आप स्वर्णपुरम लौट कर नहीं आएंगी? परंतु अभी तो स्वर्णपुरम पर अनंतगढ़ का अधिकार है, तो इस तरह से यह अनंतगढ़ी हुआ। अचिंता की बात सुनकर सब पवित्रा के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर भावहीन रहने के पश्चात उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने राजकुमारी वरुणिका की ओर देखते हुए कहा, चलिए राजकुमारी, आपको आपका राज्य पुनः हम दिलवाते हैं। एक और राजा ग्रीजेश की सेना थी जिसे राजकुमारी वरुणिका ने युद्ध की चुनौती दी और वो दंभ से भरा अपनी सेना का छोटा सा दल लेकर उसे बंदी बनाने आ गया था। दूसरी ओर राजकुमारी वरुणिका और स्वर्ण वन के वासियों की सेना थी जिसमें राजकुमारी पवित्रा भी थी, जिसकी शक्ति से राजा ग्रीजेश अभिनिग्ध था। युद्ध प्रारंभ हुआ तो राजा ग्रीजेश के सिपाही अति उत्साह के साथ उनकी ओर बढ़े और देखते ही देखते सब हवा में झूल गए। राजा ग्रीजेश यह देखकर उसके तो होश उड़ गए। सायंकाल तक चले युद्ध में राजा ग्रीजेश की सेना ढेर हो चुकी थी। अंत में बचे ग्रीजेश ने वरुणिका को उससे बिना जादू के युद्ध की चुनौती दी। सब ने उसे स्वीकार करने से मना किया, परंतु उसे मनोहर बाबा के शब्द याद हो आए जिससे उन्होंने अपने सिद्धांत और प्रतिष्ठा के साथ समझौता नहीं करने के लिए कहा था। वरुणिका ने राजा ग्रीजेश की चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ग्रीजेश को लगा कि वो एक कन्या को सरलता से युद्ध में हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रीजेश जीतना तो दूर, अधिक देर तक राजकुमारी के समक्ष टिक भी नहीं पाया और वरुणिका ने उसे हरा दिया। राजकुमारी वरुणिका ने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया, अपने परिवार को मुक्त करवा दिया और उसके मित्र भी सुरक्षित थे, क्योंकि उनका रहस्य उजागर नहीं हुआ था। युद्ध जीतने के पश्चात राजकुमारी मनोहर बाबा से भेंट करने पहुंची, परंतु उनके पहुंचने से पूर्व भी बाबा अपने प्राण त्याग चुके थे। विधि पूर्वक बाबा का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि बाबा को तो श्राप मिला था, जब तक स्वर्ण कमल उसके पवित्रा के पास नहीं आएगा तब तक वह श्राप से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ण कमल अब तम वन में पहुँच चुका था और बाबा श्राप से मुक्त हो चुका था। स्वर्ण वन अब तम वन नहीं रहा था, अब वहाँ के वासी बहुत ही खुशी के साथ उसमें वास करने लगे थे और जो पवित्रा और जो राजकुमारियाँ थीं, जो वहाँ का राजा था, उन्होंने राजकुमारी को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। राजकुमारी ने राजा बनते ही तम वन पर लगे सारे जो रोक लगी हुई थी उसको छुड़ा बंद कर दिया और उन्हें वचन से मुक्त कर दिया। अब वे निर्भीक होकर राज्य में आ जा सकते थे और सबके दिन अब खुशी से बीतने लगे। सबको अब राजकुमारी पवित्रा के इतिहास का भी मालूम होने लगा कि राजकुमारी इतिहास में जो कैसे राजकुमारी को एक अज्ञात बना दिया गया था, उनको कैसे भुला दिया गया था। इसलिए राजकुमारी ने जादूगरनी को अपने घर में रहने के लिए कहा महल में, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि अब उनका महल तो जो वन है, वन में ही वे अपने लोगों के साथ खुश हैं। इसलिए समय समय पर वे लोग महल में आते, उत्सव मनाते और बहुत ही मिलजुल कर रहने लगे। जो स्वर्णपुर था, स्वर्णपुरम के लोग बहुत खुशी से अपने राज्य में जो खुशहाली छा गई, राज्य तरक्की करने लगा। इस तरह से उनके दिन बड़े खुशी से बीत रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो यह कहानी का अंतिम पार्ट है। इस पर लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।